आज की वीडियो में हम आपको सब्सक्रिप्शन टूल का सेटअप करना ही सिखाने वाले हैं। फ्रेंड्स, हमने अपना स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर दिया जो कि आप यहां से देख पाएंगे। पहले आपको आपका जो फेसबुक पेज हो या प्रोफाइल हो जिसमें आपको सब्सक्रिप्शन टूल मिला है वो आपको ओपन करना है। तो फ्रेंड्स, ओपन करने के बाद आपको सी डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। सी डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक दूसरा पेज खुलकर आ जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको थोड़ा सा डाउन में मोनेटाइजेशन का ऑप्शन मिल जाता है, तो इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको यूअर टूल्स में जो है काफी सारे टूल्स जो देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें जो है सब्सक्रिप्शन टूल का जो सेटअप करने को मिल गया है। सेटअप ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो इसके बाद करने के सामने एक दूसरा पेज खुलकर आ जाता है। यहाँ पे आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक दूसरा पेज खुलकर आ जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके सामने एड न्यू बिजनेस इन्फो पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स। यहाँ पे आपको कुछ एक बेसिक्स इंफॉर्मेशन जो है अपने फिल करनी है। ये फिल करने से पहले आपको अपने पास अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड जो है रख लेना है ताकि आपको फिल करने में आसानी हो और आप सही से फिल कर सको। फर्स्ट में आपको लीगल फर्स्ट नेम फिल कर देना है। तो यहाँ पे आपको अपना अपना नाम जो है फिल कर देना है और सेकंड आपको लास्ट नेम फिल कर देना है। जो आपको डेट ऑफ बर्थ फिल कर देना है, डेट ऑफ बर्थ आपको एग्जैक्ट वही फिल करना है जो आपका एक्चुअल में आधार कार्ड या डॉक्यूमेंट्स में है। नेक्स्ट आपको कंट्री सेटअप कर लेना है। जैसे कि हमारा कंट्री जो इंडिया है तो यहाँ पे हम इंडिया पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक दूसरा पेज खुलकर आ जाएगा, एंटर योर बिजनेस इन्फो। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे। कंट्री में आपको इंडिया ही सिलेक्ट करना है। दूसरा आपका बिजनेस टाइप, बिजनेस टाइप में आपको इंडिविजुअल सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक दूसरा पेज खुलकर आ जाता है। यहाँ पे आपको अपने बारे में कुछ एक इंफॉर्मेशन फिल करना है। जैसे कि फर्स्ट आपका आता है लीगल फर्स्ट नेम, यहाँ पे आपको अपना नाम फिल कर देना है। और सेकंड आता है लीगल मिडल नेम, ये ऑप्शनल है। आप चाहे तो अगर आपका मिडल नेम है तो आप इसे फिल कीजिएगा, यदि आपका मिडल नेम नहीं है तो आप इसे ब्लैंक छोड़ दीजिएगा जी। नेक्स्ट आता है लीगल लास्ट नेम, लीगल लास्ट नेम में आपको अपना लास्ट नेम फिल कर देना है। आता है डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिल कर देना है जी। इसके बाद आता है प्राइमरी एड्रेस, प्राइमरी एड्रेस में आपको अपना फुल एड्रेस फिल कर देना है। इसके बाद आता है सिटी, सिटी में आपको अपने सिटी का नाम जो है फिल कर देना है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है स्टेट्स, यहाँ पे फिल कर देना है। जैसे कि हमारा स्टेट जो है हिमाचल प्रदेश है तो यहाँ पे हम हिमाचल प्रदेश जो है फिल कर देते हैं। नेक्स्ट आता है आपका जिप कोड, जिप कोड पोस्टल कोड जो है हमारे एरिया का पिन कोड होता है जी। यहाँ पे आपको अपने एरिया का जिप कोड या पिन कोड जो है एंटर कर देना है। नेक्स्ट आता है फ़ोन नंबर, यहाँ पे आपको अपना फ़ोन नंबर फिल कर देना है। है ईमेल, तो यहाँ पे आपको अपना ईमेल फिल कर देना है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद आता है परमानेंट अकाउंट नंबर जो कि आपका होता है पैन कार्ड नंबर, तो अपने पैन कार्ड नंबर के डिजिट जो है फिल कर देने हैं। नेक्स्ट आता है BAT and GST नंबर। फ्रेंड्स, ये ऑप्शनल है, इसे आप ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। इसके बाद आपको डाउन में कुछ एक टर्म्स एंड कंडीशन को टिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप टिक करते हैं, टिक करने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक दूसरा पेज खुलकर आ जाएगा जी। हाँ फ्रेंड्स, आपको तीन ऑप्शन दिए जाते हैं। यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन में से एक ऑप्शन पे क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ एक इन्फॉर्मेशन फिल करना होता है। जैसे फर्स्ट आपको बैंक कंट्री, यहाँ पे आपको इंडिया फिल कर देना है। नेक्स्ट आता है बैंक अकाउंट करेंसी, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको INR फिल कर देना है। इसके बाद आता है लीगल फर्स्ट नेम, यहाँ पे आपको अपना नाम फिल कर देना है। इसके बाद आता है मिडल नेम, ये ऑप्शनल है आपका, यदि आपका मिडल नाम है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इसके बाद आता है लीगल लास्ट नेम, लीगल लास्ट नेम में आपको अपना लास्ट नेम फिल कर देना है। नेक्स्ट आता है IFC कोड, यहाँ पे आपको अपने बैंक का IFC कोड फिल कर देना है। इसके बाद आपको अपने बैंक का अकाउंट नंबर फिल कर देना है। इस नंबर फिल करने के बाद आपको लिंक पे आउट मेथड पे क्लिक करके
नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पे आपका जो सब्सक्रिप्शन सेटअप जो है कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आप लोगों के लिए इसी तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।